Dr. Gurmeet, Head of Pediatrics at Christian Medical College and Hospital, Ludhiana. आज हम बात करेंगे COVID-19 affecting pregnant women and newborns. जैसे कि हर प्रेग्नेंट मदर चाहती है कि उसका बेबी बहुत हेल्दी पैदा हो, एंड प्रेगनेंसी बहुत ही एक हेल्दी इवेंट है. COVID-19 ने सबको अफेक्ट करा है, इसलिए प्रेग्नेंट मदर्स भी अफेक्टेड हैं, बट दे आर नॉट एट हायर रिस्क देन अदर ग्रुप ऑफ पीपल. बहुत अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट प्रेगनेंसी के दौरान ये वायरस बच्चे में नहीं जाता है, क्योंकि कोई भी रिसर्च ने शो नहीं किया है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है मदर से फीटस को. एक बेबी जो बर्थ के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इन्फेक्शन, या अगर मदर को 14 डेज के अंदर अंदर कोविड इन्फेक्शन हुई हो, या नेक्स्ट 28 डेज आफ्टर बर्थ अगर मदर को इन्फेक्शन हो जाती है, तो बेबी को इन्फेक्शन होने के लिए एट रिस्क हो जाता है. अगर किसी को भी घर में या किसी रिश्तेदार को COVID-19 है या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं और बच्चे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो न्यूबॉर्न भी एट रिस्क होता है, बट उनके सिम्टम्स बहुत कम बच्चों में पाए गए हैं. इसलिए अगर मदर को COVID-19 की कोई भी चिंता लगती है, अगर पॉजिटिव है प्रेगनेंसी दौरान, देन शी हैज़ टू टेक केयर एंड एंटीनेटल चेकअप के दौरान सब सिम्टम्स को डायग्नोज किया जा सकता है. और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी पूरी चेकअप करवाती रहें, फॉलिक एसिड जैसे लेते हैं, आयरन फॉलिक एसिड लेते हैं, अपनी मॉनिटरिंग प्रॉपर करवाती रहें. ड्यूरिंग एंटीनेटल टाइम ओनली शी कैन डिसाइड वेयर द डिलीवरी हैज़ टू बी डन. सो एज वी ऑलवेज रिकमेंड दैट इंस्टीट्यूशन डिलीवरी इज़ बेटर, सो दैट द मदर कैन बी टेकन केयर एंड ऑल्सो द न्यूबॉर्न पीरियड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द फर्स्ट मिनट ऑफ द न्यूबॉर्न आफ्टर बर्थ इज सो इम्पॉर्टेंट एंड इट कैन बी ओनली हैंडल्ड in an institute. So all the mothers, they should go for hospital deliveries. So in case mother, most of the mothers the antenatal checkup, COVID testing aajkal kar rahi hai. Agar mother COVID positive hai aur koi symptoms nahi hai, to bhi institutes hain who can handle mothers with COVID positives aur unke newborns ko bhi acche se handle kiya ja sakta hai. ये हेल्थ फैसिलिटीज़ पब्लिक भी हैं और प्राइवेट भी हैं. कुछ फैसिलिटीज़ सिर्फ कोविड पेशेंट्स ले रही हैं, कुछ हॉस्पिटल्स जो है कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव पेशेंट्स भी देख रही हैं, बट रेस्ट श्योर ये सब कुछ पहले ही प्री प्लानिंग से किया जा रहा है. कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को सेपरेटली मैनेज किया जा रहा है. अब दूसरी बात यह आती है कि टाइप ऑफ डिलीवरी क्या हुई थी. डिलीवरी जो है वो मदर के ऑब्स्टेट्रिक स्टेटस पे डिसाइड की जाती है, उसका अपना हेल्थ स्टेटस कैसा है उस पे डिसाइड की जाती है. कोविड पॉजिटिव होना या नहीं होना टाइप ऑफ डिलीवरी डिसाइड नहीं करता है, बट कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल में ही उनकी डिलीवरी होती है. मदर को आइसोलेटेड रखा जाता है और बेबी को भी अच्छे से रिसेसिटेट जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो किया जाता है. डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो पूरा अपनी प्रिकॉशंस लेते हैं, पीपी किट पहनते हैं. मदर को भी ट्रिपल लेयर मास्क पहनाया जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसेस. मदर को पूरा एडवाइस किया जाता है कि वो हैंड वॉशिंग करे. और हम एक्चुअली आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रीमेच्योर नहीं है या कोई और कॉम्प्लिकेशन बर्थ रिलेटेड नहीं हुई है, बेबी को सेपरेट तो रखा जाता है, सेपरेट फ्रॉम अदर बेबीज हु आर नॉट कोविड पॉजिटिव मदर्स बॉर्न बेबीज, बट उसका ट्रीटमेंट जो है वो उसकी प्राइमरी कंडीशन के लिए किया जाता है. और मदर अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो मदर को भी आइसोलेट किया जाता है. बट अब फीडिंग कैसे दी जाए ऐसे बेबी को, अगर मदर को कोई सिम्टम्स नहीं है और बेबी को भी सिम्टम्स कोई नहीं है, तो मदर डायरेक्ट फीडिंग भी करा सकती है, बट ये दोनों सेपरेट होने चाहिए फ्रॉम अदर पीपल. तो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड दे सकती है, पर मदर को पूरा प्रिकॉशन देना है कि वो हैंड वॉशिंग करे, ट्रिपल लेयर मास्क, सर्जिकल मास्क पहने, और बेबी को दूध पिला के और एक हेल्दी केयर टेकर जो कोविड पॉजिटिव नहीं है वो टेक केयर कर सकता है. बेबी को नर्स जो है अगर हेल्थ फैसिलिटी में अलाउड है कि मदर एसिम्प्टोमेटिक मदर और बेबी को अलग रखने के लिए फैसिलिटी है,
तो दोनों भी इकट्ठे रखा जा सकता है, पर 2 मीटर की गैप दूरी पे। तो बेबी को फीड करके जो हेल्दी केयर टेकर है वो टेक केयर कर सकता है। इन केस बेबी अगर बीमार है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, और मदर्स मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी, सो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क कैन बी गिवन। सो दिस इज़ अबाउट द फीडिंग पार्ट। दैट मीन्स वी वॉन्ट दैट लेस टाइम द बेबी एंड मदर आर सेपरेटेड। बट इन केस अगर मदर बहुत बीमार है, शी हैज़ उसको सांस की प्रॉब्लम है, तो जैसे जैसे उसकी कंडीशन बेटर होती है वो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दे सकती है। और बेबी और मदर डिस्चार्ज जो है, बेबी अगर ऑल राइट है और मदर अगर ठीक नहीं है, तो बेबी अलग से सेपरेटली हेल्दी केयर टेकर मैनेज कर सकता है, डिस्चार्ज किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ऑल द, अगर बेबी को कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। मदर और बेबी जो है इकट्ठे 14 डेज के बाद उनको इकट्ठे रखा जा सकता है, फीडिंग करी जा सकती है, पर मदर को पूरी प्रिकॉशन लेते रहना है, मास्क वेयरिंग और हैंड वॉशिंग का। 28 डेज तक एक्चुअली वायरस जो है वो कहते हैं कि बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं होता है, बट फर्स्ट 28 डेज मदर को पूरी प्रिकॉशंस लेनी है। ऐसे बच्चों को वैक्सीनेशन पूरी करवानी है अगर बेबी बहुत प्रीटर्म नहीं है और बेबी टाइम पे पैदा हुआ है, तो बेबी को प्रॉपर वैक्सीनेशन टाइम पे ही शुरू हो जानी चाहिए, बर्थ वैक्सीन भी मिल जानी चाहिए, और उसकी जो सारी वैक्सीन जो फर्स्ट ईयर में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज वैक्सीन शुड बी गिवन प्रॉपर्ली। नाउ ऑल द हॉस्पिटल्स, सारे हॉस्पिटल जो हैं वो वैक्सीन दे रहे हैं इन बच्चों को अलग टाइम पे बुला के, सारी प्रिकॉशंस लेते हुए, हैंड वॉशिंग करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, और इनकी जो विजिट्स हैं वो स्पेस आउट करते हुए वैक्सीन दी जा रही है। इन शब्दों के साथ वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग चाइल्ड न्यूबॉर्न वीक, और मैं सबको यही आश्वासन देती हूँ कि COVID-19 को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। थैंक यू।